आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी मार्केट के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे FIS और DIS के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर के लिए होने वाली है। तो अगर देखिए हम BSE और NSE की बात करें, तो यहाँ तो आपने मूवमेंट ही देखा था कि किस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिला, पूरा मार्केट आपका साइडवेज था। लेकिन उसके बाद देखिए इस जगह अमेरिकी मार्केट के बाजारों में देखिए किस तरीके की आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर मैं NASDAQ में बात करूँ तो 1% ज्यादा की गिरावट आपको दिखाई दे रही है, डाउ जोन में भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है और SPM में भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर देखिए मैं अदर एशिया मार्केट की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज एक मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आपने देखा ही था। देखिए, अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह FIS और DIS का डेटा ओपन किया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि मार्केट देखिए हमेशा पैसे से काम करता है। अगर मार्केट में से पैसा निकलता है तो मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट में पैसा आता है तो मार्केट ऊपर जाता है। और पैसे की काफी इंपॉर्टेंट देखिए आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब देखिए, जब हाल ही में मैंने आपके लिए वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था FIS और DIS के बारे में, उस टाइम देखिए काफी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए कि इतनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल सकती है, या FIS ने एक जगह पुट बाइंग नहीं की है। तो जो मैंने चीजें बताई थी और जो आज की कंडीशन है, उन दोनों चीजों को अगर आप देखोगे तो मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या बताया था। आपको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खरीदारी दिखाई दी थी, जो कि आपको एक जगह देखने को मिलेगा 30 अगस्त को। नेट नेट बुक वैल्यू की अगर हम बात करें इस मंथ की, तो 4,325 करोड़ की आपको नेट नेट एक जगह बुक वैल्यू दिखाई दे रही है। अब FNO की बात करते हैं, तो FNO में देखिए मैंने इस डेटा को आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो पहले भी देखा होगा। FNO में आपको दिखाई दे रहा था कि हम इसमें जे समझ के चल सकते हैं कि मार्केट में देखिए कैश में क्या हुआ था, खरीदारी हुआ था, ठीक है, अच्छा खासा खरीदारी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जगह हेजिंग भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि पुट के साथ आपको हेजिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए हेजिंग कब की जाती है, जब मार्केट में ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक ऊपर का लेवल आ चुका है, ऊपर के लेवल से अगर हमको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है तो हम हेजिंग करके चल सकते हैं पुट के साथ, जैसे कि डेटा में हमको पहले भी देखने को मिला था। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि हेजिंग हम जब चलते हैं जब मार्केट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, और FIS के डेटा में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था कि ऊपर के लेवल पे हेजिंग है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको तीन डेटा और बताना चाहूँगा। अगर आप देखिए जुलाई का, आप जून का आप देखो, तो जून में क्या हुआ था, बिकवाली हुई थी FIS की तरफ से, ठीक है, 60,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। फिर जुलाई में अगर आप देखो तो जुलाई में देखिए 6.5 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी। और अभी जो आपको अगस्त में तेजी जो आपको देखने को मिली थी नीचे के लेवल पे, जो तेजी क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि FIS ने इस जगह खरीदारी की थी जो कि 22,025 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। अब हम लेके आते हैं अभी, अभी आपको कितना दिन हुआ है मार्केट को ओपन हुए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 सितंबर, 2 सितंबर, और आप मार्केट आपका वो ओपन होगा 5 सितंबर को, ठीक है। जी हम कैश का डेटा आपको बता रहे हैं, कैश के डेटा में FIS का डेटा, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो 1 सितंबर को ही कितनी बड़ी बिकवाली की है, 2,290 करोड़ की बिकवाली की है। जबकि अगर हम बात करें DIS की, तो DIS की अभी बात करेंगे, और अगर आप 2 सितंबर को देखो तो यहाँ पे भी 9 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, यानी 2,300 करोड़ की बिकवाली अभी तक हो चुकी है। और अभी तो आपकी 2 तारीख हुई है, 5 तारीख का तो डेटा अभी बाकी है, ठीक है, मैंने बाकी बोला है। अब बात करते हैं DIS की तरफ से, तो DIS की तरफ से क्या दिखाई दे रहा है कि DIS की तरफ से देखिए पहले तो एक जगह खरीदारी आपको देखने को मिली, जो कि कितनी देखने को मिली, 950 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका देखिए हाल ही इन्होंने क्या किया, बिकवाली कर दी 670 करोड़ के आसपास, लेकिन नेट नेट अभी खरीदारी कितनी दिखाई दे रही है, 280 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन बिकवाली आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2,300 करोड़ के आसपास। डेटा आपके सामने है, खरीदारी आपकी कम हो रही है, बिकवाली आपकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और इन्हीं सभी डेटा को देख के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, जो भी अपडेट होते हैं वो चार्ट के बेसिस पे होते हैं, FIS DIS के डेटा को देख के बेसिस होते हैं, वो हर चीज़ों को देख के देखिए मैं एक जगह आपको अपडेट करता हूं, जो कि बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं FNO के अंदर, तो FNO के अंदर जो डेटा आपको पहले दिखाई दे रहा था वही डेटा आपको इस जगह भी दिखाई दे रहा है। FNO के अंदर देखिए ये आपका FNO होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप और हम देखिए इस जगह कॉल और पुट के अंदर काम करते हैं, कॉल और पुट के काम करते हैं, उसी तरीके से देखिए FNO के अंदर जो FIS होते हैं वो इस जगह काम करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए सबसे पहले इंडेक्स का डेटा समझते हैं, तो इंडेक्स में भी देखिए पहले अगर आप इस जगह देखिए मैं बात करूँ ना, तो इस जगह अगस्त में इंडेक्स के अंदर बिकवाली नहीं की थी, इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी खरीदारी थी, लेकिन अभी आपको इंडेक्स में भी बिकवाली
वाली दिखाई देगी, जो कि आपको देखिए इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 सितंबर को देखिए जो बिकवाली हमको देखने को मिली वो 4,190 करोड़ के आसपास की दिखाई दी। 2 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 2,070 करोड़ के आसपास की आपको बिकवाली दिखाई दी। नेट अगर हम बात करें तो 6,250 करोड़ या 255 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको इस जगह दिखाई देती है। अब एफेंडो जो इंटरेस्टिंग देखिए आपको इस जगह दिखाई देता है। एफेंडो में देखिए क्या हुआ, 10,190 करोड़ की देखिए खरीदारी आपको दिखाई दे रही है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है पुट में। देखिए पुट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस जगह मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है ठीक है, इस जगह बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर की साइड खरीदारी करने में तो अकलबंदी नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, और जब मार्केट नीचे आता है तो हम नीचे मार्केट में क्या करते हैं भाई, पुट बाइंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो जब वो FIS है, उनके पास बड़े सिस्टम है, उनके पास बड़ी नॉलेज है, ठीक है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को पता है, जब वो बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देख के लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुट जगह ऊपर बाइंग है। चलो एक दिन तो इन्होंने बाइंग किया, लेकिन दूसरे दिन भी अगर आप देखोगे तो 2,860 करोड़ के आसपास की इस जगह खरीदारी की है, और इसको नेट अगर आप देखोगे तो 13,055 करोड़ के आसपास की आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, जो कि देखिए यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा 2 दिनों का आपको जो दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा डेटा नहीं है, 2 दिनों के अंदर इतना ज्यादा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। देखिए इस जगह अगर आप देखोगे तो बिल्कुल देखिए सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 17,511, ठीक है, 28 पॉइंट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यानी जो एक आपका साइकोलॉजी लेवल है जो कि 17,500 को है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है गलती से तो फिर मार्केट में नीचे की साइड लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसके ऊपर देखिए मैंने वीडियो बना के रखा है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, आप उसको जाके देख सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने बना के रखा है, तो वहां पे आपको अपडेट आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह डाउ जोन का चार्ट ओपन किया, जो कि ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। अब इस जगह देखिए डाउ जोन के चार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि जब भी डाउ जोन में गिरावट आती है तो एक कंटिन्यू गिरावट आती है। जब ये 33,300 के समथिंग था उस टाइम भी बोला कि सेलिंग आ सकती है, और जब ये अभी जो हाल ही में जब मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था 31,700 का प्राइस था, उस टाइम भी मैंने आपसे बोला था कि मार्केट में कम से कम देखिए 1400 पॉइंटों की सेलिंग आ सकती है। उस लेवल से अगर आप देखोगे तो अभी 400 पॉइंटों की सेलिंग आ चुकी है, यानी अगर हम बात करें तो 1000 पॉइंटों की सेलिंग अभी भी मुझे लगता है, लेकिन सेलिंग कब आएगा, जब ये अपने लो के नीचे जाएगा। इसका लो क्या है, ये लो के नीचे जब जाएगा, इसके लो के नीचे यानी 31,000 के नीचे जाएगा, जब इसमें जिस कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए हमको सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं इस जगह 30,150 पे दिखाई दे रहा है, यानी इस लेवल पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिस लेवल पे हम नीचे की साइड सीई बाइंग करके चल सकते हैं। अगर ये इस जगह सपोर्ट लेता है तो इंडिया मार्केट में भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस लेवल पे अगर आप डाउ जोन आता है तो उस लेवल पे आप इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हो धीरे धीरे। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह नेट डेस्क का चार्ट ओपन किया है। देखिए पूरी वीडियो आपने देखा है तो एक बार इस वीडियो को भी जाके देख लीजिए कि जो लेवल मैंने आपको बताए थे, जो साइकोलॉजी लेवल बताए थे, जो FIS और DIS का डेटा बताया था, उसको जाके जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले तो देखिए इस जगह नेट डेस्क में देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला जो लेवल है, यानी इस जगह 11,570 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का है। अगर इसके नीचे जाता है यानी अपने लो के नीचे जाता है, जब भी इसमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अब सेलिंग कितनी देखने को मिल सकती है, तो अगर हम बात करें तो सेलिंग आपका इस प्राइस तक देखने को मिल सकती है, जो कि आपका ये वाला है 10,730, यानी इस प्राइस पे अगर आता है तो हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, या अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे देखिए ऊपर के लेवल से अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, तो अगर आप देखोगे तो 50% आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, 50% और बाकी है जो आपकी हो जाएगी, तो आप नीचे के लेवल पर अच्छा खासा देखिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 600 से लेके आपको 750 पॉइंटों के आसपास की देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1500 लाइक होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइक का वीडियो का टारगेट भी पूरा करोगे। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।